शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले मुतलियार चौक से एक जबरन चोरी का मामला सामने आया है, जहां दो कुख्यातों ने राह चलते व्यक्ति से मारपीट करते हुए उसे लूटा है, जिसके चलते आरोपियों पर जबरन चोरी का मामला उजागर हुआ है। गौरतलब है कि दिनांक 6 फरवरी को 2:30 के दरमियान शांतिनगर स्वीपर कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय मनीष मोतीराम मोटखरे मुतलियार चौक में बैठा हुआ था। उसी बीच 34 वर्षीय शेख शारिक शेख नासिर एवं 42 वर्षीय प्रदीप थापा मौके पर आए और फिरियादी से पैसों की मांग की, परंतु जब फिरियादी ने पैसे देने से मना किया तब दोनों ने फिरियादी से मारपीट की और जबरन पैंट के पिछले जेब से 1000 रुपए छीन कर भाग गए, जिसके चलते फिरियादी ने शांतिनगर पुलिस अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके संज्ञान पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जहाँ जांच के दौरान दोनों आरोपियों के विविध पुलिस थाना अंतर्गत क्रिमिनल रिकॉर्ड उजागर हुए हैं, जिसके विषय में जानकारी दी सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक साखरकर ने। आम्ही PSI साखरगड तपास पथकात कार्यरत आहोत व सदरचा गुन्हा आमच्याकडे तपासा आहे आणि आम्ही त्याच्या तपासणीवरून काम पाहत आहोत। दिनांक 6/2024 रोजी 13:30 वाजता फिर्यादी हे मुतलियार चौकात असताना आरोपी शेख वल शेख नाशिर तसेच दुसरा आरोपी प्रदीप गृहसिंग थापा हे तेथे फिर्यादीजवळ गेले। आरोपी क्रमांक 1 यांनी फिर्यादीच्या खिशातून जबरदस्तीने पैसे काढले, तसेच आरोपी क्रमांक 2 यांनी फिर्यादीच्या कानावर जोरात थापड मारली, त्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। परंतु आरोपी फिर्यादी हे पोलीस ठाणेला सायंकाळी उशिरा रिपोर्ट द्यायला आले, त्या अनुषंग तत्पूर्वी आरोपी क्रमांक 2 प्रदीप धुरणसिंग थापा याने माहे याच्यावर पोलीस ठाणे इथे 2024 गुन्हा हत्यार कायद्याअंतर्गत 4/25 गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। तो सध्या जामिनावर असल्याने त्याच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली आहे व तो माननीय सहाय्यक पोलीस आयुक्त साहेब लकडगंज विभाग नागपूर यांच्या आदेशाने मध्यवर्ती कारागृहात दाखल आहे। फिर्यादी यांनी पोलीस ठाणे तक्रार दिल्यानंतर गुन्ह्याच्या अनुषंगाने आम्ही तसेच तपास पथकातील अंमलदार यांनी आरोपीचा शोध घेतले असता त्यात कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेंबरी की रिपोर्ट।